इन दिनों सुपर 30 फिल्म जबरदस्त हिट हो रही है और इस फिल्म का आलम यह है कि कुछ ही समय में इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, बिहार के आनंद कुमार पर केंद्रित इस फिल्म ने युवाओं को जबरदस्त आकर्षित किया है। यही वजह है कि इस फिल्म को देखने के लिए युवा ही नहीं, बच्चे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। आखिर आनंद कुमार कौन है? फिल्मी पर्दे पर तो आनंद कुमार ऋतिक रोशन है, लेकिन वास्तविक आनंद कुमार की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रोफेसर आनंद कुमार द्वारा सुपर 30 नामक कोचिंग क्लास की स्थापना 2001 में की गई थी और इसमें गरीब बच्चों को IIT की परीक्षा की तैयारी कराई जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 30 बच्चे हैं और 30 में से या तो 30 ही या फिर 28 बच्चों का सिलेक्शन IIT के लिए होता है। यही वजह है कि आनंद कुमार की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बच्चों में होड़ मची रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद कुमार की क्लास में अभी तक 330 बच्चों ने दाखिला लिया है, जिसमें से 281 छात्र IIT की परीक्षा में पास हुए हैं और बाकी इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंच गए। सुपर 30 के सभी छात्र IIT सहित अन्य संस्थानों में प्रवेश पा लेते हैं। फिल्म सुपर 30 में भी इसी कहानी को फिल्माया गया है और ऋतिक रोशन ने जिस शिद्दत के साथ इसमें एक्टिंग की है वह भी देखने लायक है। कुल मिलाकर आनंद कुमार भारतीय शिक्षा जगत के इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान बना चुके हैं। यही वजह है कि 2009 में पूर्व जापानी ब्यूटी क्वीन तथा अभिनेत्री नोरिका द्वारा सुपर 30 पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। इसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भी आनंद कुमार को सुपर 30 कोचिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।